Students, my name Aditi Singh and I am from Study Blog with Sivendra. आज इस वीडियो में हम पिछले के वीडियो में जैसे फर्स्ट पार्ट वन में हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स और प्रेजेंट और पास्ट एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में हमने बात किया था. हमारी थर्ड वीडियो में हम सिंपल फ्यूचर टेंस से स्टार्टिंग करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले जाए लिंक में, आपको पहले एक्टिव पैसिव वॉइस के वीडियो दिया जा रहा है. आप उसे जाए और पहले बेसिक रूल्स को समझें, फिर आप सेकेंड पार्ट में सिंपल फ्यूचर को देखें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सिंपल फ्यूचर जो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, उससे जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि चार ऐसे टेंस होते हैं जिसमें हम चेंजेस नहीं करते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो फ्यूचर इंडिफिनिट के जो रूल्स होते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. हमने पहले ही आपको बताया था कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को लाते हैं सब्जेक्ट पे और सब्जेक्ट को लाते हैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे. सब्जेक्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट पे, ठीक है. अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया है एक्टिव में कि द टीचर विल पनिश मी, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, द टीचर विल पनिश मी, और इसे पैसिव में चेंज करना है तो आप ऑप्शन चेंज करोगे मी को सबसे पहले हम मी क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे लाएंगे तो आई में चेंज हो जाएगा. आई सेल बी, सेल के साथ किसका यूज होगा, बी का, यानी इंडिफिनिट को कंटिन्यूअस में चेंज करना होता है. आई सेल बी पनिश्ड, पहले ही हमने देखा था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हर जगह यूज होगा, पनिश्ड बाई टीचर. आई सेल बी पनिश्ड बाई टीचर. नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट सेल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में दिया है प्रियंका विल के साथ हैव हेल्प्ड मी, सबसे पहले आप मी को कहाँ लाओगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे लाओगे तो आई में चेंज कर दोगे. आई सेल हैव हेल्प्ड बाय प्रियंका, आई सेल हैव हेल्प्ड बाय प्रियंका. ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस. मतलब टेंस से रिलेटेड जितने भी एक्टिव पैसिव वॉइस के चेंजेस हैं वो आपने देख लिया. अब देखेंगे आप मोडाल वर्ब. अगर देखिए नॉर्मली टेंस से रिलेटेड एक्टिव पैसिव वॉइस ज्यादातर लोगों को पता है, आप लोगों को खुद एक्टिव पैसिव वॉइस पता है, बट टफ कब होता है, जब मोडाल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए, इन्फिनिटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए, तो हमें रूल्स सारे पढ़ के जाने हैं ताकि जब हम ऑप्शन चूज कर रहे हो तो इजीली हम समझ सके कि हाँ ये टेंस सेंटेंस क्वेश्चन एक्टिव वॉइस किस रूल्स में है और पैसिव को किस रूल्स में हमें बनाना है. तो चलिए देखते हैं मोडाल वर्ब अगर आता है. जैसे हमने रूल्स खत्म कर लिया, टेंसेज हमने खत्म कर लिए कि किस टेंस से रिलेटेड अगर आए तो हमें कैसे चेंज करना है. मोडाल वर्ब जैसे सेल विल कैन कुड मे माइट मस्ट शुड, ये सारी यूजेस हमने पढ़ा है. हमारे पिछले वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने मोडाल वर्ब को डिस्कस किया है. देखते हैं अगर एक्टिव में मोडाल वर्ब दिया हो, जैसे सब्जेक्ट दिया हो और उसके बाद मोडाल वर्ब हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, तो जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले लास्ट वाले वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट पे जो होगा उसे सब्जेक्ट पे लेके आएंगे. मोडाल वर्ब जैसे जो है वो वहीं रहेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को कहाँ चेंज कर देंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म में बाय का यूज करेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई कैन क्या है, मोडाल वर्ब है. आई कैन डिफीट देम, तो आप इसे जब चेंज करेंगे देम को जब सब्जेक्ट पे लाएंगे, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे और सब्जेक्ट को कहाँ लाना है ऑब्जेक्ट पे. तो देम जब सब्जेक्ट पे आएगा तो क्या हो जाएगा दे, और मोडाल वर्ब
कैन है तो कैन ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपके। ये आपको रूल माइंड में रखना है कि मोडाल वर्ब है तो मोडाल वर्ब ही रहेगा। डिफीटेड क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, डिफीटेड बाय मी। आई जब ऑब्जेक्ट पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। दे कैन डिफीटेड बाय मी, ठीक है। फिर सी में सॉल्व इट, मे का यूज किया है, आप जानते हैं मोडाल वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, इट इट आई ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट पे, इट मे बी सॉल्व बाय हर। बी का भी यूज करना है, सॉरी, यहाँ डिफीटेड कैन बी होगा, यहाँ पे कैन बी, इट इट मे बी सॉल्व बाय हर, ठीक है। सी आएगा ऑब्जेक्ट पे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अब देखते हैं मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब को, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए तो, जैसे हैव के साथ वर्ब का मोडाल आ जाए और उसके साथ हैव आ जाए और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, क्वेश्चन में ही आ जाए, जैसे सब्जेक्ट मेन वर्ब आ जाए और मेन वर्ब के साथ क्या आ जाए, हैव आ जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए। पैसिव में क्या करेंगे, मेन वर्ब के साथ हैव के साथ बिन का यूज करना है। रूल्स आपके माइंड में रहेंगे तभी आप इजीली किसी भी एक्टिव पैसिव के एग्जांपल्स को एमसीक्यूज में सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप ऑप्शन गलत ही चूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड, देख रहे हैं आप, ये मोडाल वर्ब है, इसके साथ क्या आया, हैव आया। टॉथर ये थर्ड फॉर्म दे दिया, क्वेश्चन में ही इसने टॉथ दे दिया, सुड के साथ हैव दे दिया, तो चेंज करेंगे, यू शुड हैव के साथ आपको क्या ऑप्शन में होना चाहिए, बिन भी होना चाहिए, यू शुड हैव बिन टॉथ बाय हर, ठीक है। ये एग्जांपल्स आप देख लेंगे। यूज ऑफ इन्फिनिटिव, अगर वर्ब के पहले टू आया हो तो, जैसे इज एम आर वॉज वेयर हेल्पिंग वर्ब आया हो हैड, और उसके साथ जो मेन वर्ब आया हो उसके पहले टू आया हो और ऑब्जेक्ट आया हो, तो फिर आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जब आप इसे ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ना, तो टू के साथ बी का यूज होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें अगर आपके माइंड में नहीं रहेंगी, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस गलत होंगे ही होंगे। जैसे एक्टिव वॉइस में अनु इज टू राइट, आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ब के पहले क्या आया है, टू आया है इन्फिनिटिव, तो जब आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, अ लेटर इज टू, टू के साथ क्या लगना आना चाहिए, बी, अ लेटर इज टू बी रिटेन बाय अनु। थैंक यू।